जो बंदा आज भी कहे ना कि यार मेरे पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए यार, मैं करूं क्या, मुझे समझ में, मैं ख्याल वो बंदा बेवकूफ है। आपका अगर 140 रुपए का आपने बल्ब बेचा और आपकी क्लेम आ गई है, तो आपने उसके अंदर सिर्फ डीसी चिप लगानी है, आपका बल्ब 100 रुपए का फिर खड़ा लेने वाली वहां 10,000, आप 5 रुपए रेट मजीद करा दें। अगर आप 80 का ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप 70 का लेके जाए, वो आपके पैर भी चुमेंगे, माल भी लेंगे, बोतल भी पिलाएंगे आपको। हमने लोगों से क्लेम में लेके सही करके फिर मार्केट में माल बेचा, दोबारा प्रॉफिट आया उसमें। 80 रुपए का बल्ब डीसी का आप आज एक पोस्ट लगा देना बंदा अच्छी क्वालिटी का 12x12 का, जितना बल्ब होगा पठान ले जाएगा उठा कर। अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस आइडियाज इंटरव्यूज यूट्यूब चैनल के अंदर आप तमाम दोस्तों को अगेन खुश आमदी। इस वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है, एक अगली वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह। एक वीडियो के सीरियस जो है हम लोग इस तरह स्टार्ट कर चुके हुए हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने इस कारोबार के अंदर ये देखा ना कि अगर आप मटेरियल ले भी लेते हो, कारोबार स्टार्ट कर भी लेते हो, लेकिन ये है कि जब आप अपनी लिमिट तक करके रखते हो, बाद में इसके अंदर कल को क्लेम भी आ जाता है ना, तो आप उसको भी मुख्तलिफ शेप के अंदर सेल आउट करके फिर भी अपना बचा लेते हो। ऐसे ही बात करने वाला, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखें हमारे काम में ना, कारोबार में, तो अब किसी किस्म की जो है ना ऐसी कोई चीज रह नहीं गई कि हमने वो ना बताई हो या आप नई को बताने वाली हो। बिल्कुल, आज बॉडियों में जिद्दत आती रहती है, डिजाइन में जिद्दत आती रहती है, वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें चिप का कोई सर्किट बोर्ड पर डल गया है या ड्राइवर में चेंजिंग आ गई है। चीजें वही हैं, फॉर्मूले वही हैं, थ्योरी वही है, बॉडी चेंज हो रही है। इसी तरह ही जो है वो जो कंप्लेने आती हैं उनको रीयूज करना भी बहुत बड़ा काम है, और लोग करते हैं जिनको आती ही करना आती है, ठीक है, और वो पूरे पूरे पैसों में बेचते हैं। वो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ मगर लाना कि यार साड़ी क्लेम आ गई, साड़ी जान छूटे, साड़े पैसे पूरे हो जाए, इंज नहीं होता। आपका अगर 140 रुपए का आपने बल्ब बेचा और आपकी क्लेम आ गई है, तो आपने उसके अंदर सिर्फ डीसी चिप लगानी है, आपका बल्ब 100 रुपए का फिर खड़ा लेने वाली वहां 10,000। बिल्कुल ऐसे ही है। 80 रुपए का बल्ब डीसी का आप आज एक पोस्ट लगा देना बंदा अच्छी क्वालिटी का 12x12 का, जितना बल्ब होगा पठान ले जाएगा उठा कर, एक सेकंड के अंदर माल बिक जाता है। आपकी कंप्लेन वाली SMD है, आपका कंप्लेन वाला, आप यकीन करें कि मैंने काम शुरू किया, मैंने बीच में कंप्लेन वाला माल भी लेना शुरू कर दिया लोगों से, मैंने उनसे वारंटियों में माल उठाना शुरू कर दिया, जो क्लेम आई होती है 12 रुपए 13 रुपए, तब रेट चल रहा था, हमने उसको रिपेयर करके 80-80 रुपए का बल्ब बेचा हुआ, 80-80 रुपए का, और निकल तो फिर भी निकल गया, गया, और उसमें प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट, हमने अपनी क्लेम में, ये नहीं समझने वाली बात यह कि हमने अपनी क्लेम नहीं सही की, हमने लोगों से क्लेम में लेके सही करके फिर मार्केट में माल बेचा, दोबारा प्रॉफिट आया उसमें, प्रॉफिट आया। और वो उस, हाँ इसमें भी ये बात है, देखें उसमें भी लोगों ने हमें फॉलो किया है, उससे पहले किसी की पोस्ट नहीं लगती थी, उससे पहले किसी का नहीं होता था कि जी क्लेम वाला बल्ब पड़ा है, किसी ने बेचना है, किसी ने, हमने आम को बताया कि जी आप ये बल्ब लें, इसकी आप बाडी शाडी खोलें, इसको आप साफ करें, इसके अंदर जो बिल्कुल खराब बाडी है उसको आप डीसी लगा दें, जो चलने लायक है उसमें आप चिप ड्राइवर लगाएं, या आप रिपेयर किया वो बल्ब आप आम को बता के बेच दें, भैया 80 रुपए का 90 रुपए का बगैर गारंटी के बल्ब आपका बहुत बिकता है, इस्लामाबाद बहुत, पिंडी बहुत, पिशावर बहुत बल्ब जाता है, पिंडी का तो मैं कारखानों मार्केट बहुत बल्ब बिकता है, नॉन वारंटी सब छोड़े, अगर 5 रुपए रेट गिराए लाहौर में आप बैठे, आप शालमी लेके जाए वहां पर डिनर बैठे लेने वाले, आप 5 रुपए रेट मजीद गिरा दें, अगर आप 80 का ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप 70 का लेके जाए वो आपके पैर भी चुमेंगे, माल भी लेंगे, बोतल भी पिलाएंगे आपको, ठीक है ना। तो काम करने वाला बंदा होना चाहिए। तो आज देखे मेरी बात है कि ऑनलाइन आजकल का काम करना बहुत आसान है, ठीक है, काम करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं, आगे भी हम बात कर रहे थे। जो बंदा आज भी कहे ना कि यार मेरे पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया है, कि मैं करूं क्या, मुझे समझ में, मैं ख्याल वो बंदा बेवकूफ है, बेवकूफ है, यानी उसको ये समझ नहीं आ रही मैं कहां लगाऊं उसको। यार देखे आजकल 3-4 हज़ार 2 हज़ार 5 हज़ार कमाना कोई बड़ी, ये 2 हज़ार तो आजकल आप ऊबर क्रीम इंटरव चलाएं तो आप शाम को घर ले आते हैं, तो फिर आपके पास 4-5 लाख रुपया और आपके जी हमारे पास काम नहीं है, तो मैं साहब समझता हूँ फिर वो बंदा काम नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ पैसा ही लगाना चाहता। चले जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि अगर आप लोग बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए आप लोगों को, अगर आप अनट्रेंड है तो ऑब्वियसली आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सारी चीज समझनी पड़ेगी, और अगर आप लोगों के PR साहब देंगे ट्रेनिंग आपको, ये भी बात है, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया, हम लोगों ने वो चीजें कवर की हुई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर के जो आज तक कभी किसी ने चैनल के ऊपर जो है ना नहीं कवर की। हम लोगों ने शुरू से लेकर कारोबार कैसे, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्लेम होता है, ईच एंड एवरीथिंग मार्केट्स तक डिस्कस कर ली, इवन के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग तक डिस्कस कर ली। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आती है तो फिर आप लोगों का लाइव ऑफिस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।